हेलो दोस्तों, मैं प्रकृति। आप सभी का मेरे चैनल सरकारी सोर्स में स्वागत है। दोस्तों, एलटी ग्रेड के आज लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे 19 अप्रैल की, और जानेंगे कि सभी विषयों का रिजल्ट 30 मई तक आएगा। ये तो मैंने आपको कल भी वीडियो में बता दिया था, लेकिन आगे एडिशनल जानकारी ये है इसमें कि सामाजिक विज्ञान के जो रिजल्ट है उसकी डेट कन्फर्म हो गई है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अगर उन्हें मेरा वीडियो अच्छा लगे तो। और दोस्तों, इस वीडियो में हम दो बात करेंगे, दो दो पेपर में दो न्यूज़ निकली है उनके बारे में बात करेंगे, तो उसके लिए आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं 30 मई वाली बात। तो दोस्तों, ये आज पेपर में निकला था, अमर उजाला में निकला, सभी विषयों के परिणाम 30 मई तक देने का आश्वासन दिया है आयोग ने। जैसा कि दोस्तों, ये तो मैंने पुरानी बात हो गई, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था कि, लेकिन ये पेपर में निकला था तो मैंने सोचा कि इसे बात कर लेनी चाहिए इसके बारे में। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जारी क्रमिक अनशन समाप्त नहीं हुआ है पूरी तरह से दोस्तों। इसमें इन लोगों ने ये बोला है कि अगर रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे और सही बोल रहे थे कि आयोग तो प्रॉमिस कर देता है कि अब तक आ जाएगा रिजल्ट, अब तक आ जाएगा रिजल्ट, लेकिन कभी भी टाइम पे चीज़ें नहीं होती। बट उन्होंने बोला है कि अगर रिजल्ट 30 मई तक नहीं आया और बीच में और एग्ज़ाम्स के रिजल्ट नहीं आए तो वो अपने आंदोलन फिर से शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर हम नेक्स्ट अपनी न्यूज़ के लिए बढ़ेंगे, दूसरी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत सभी विषयों के परिणाम 30 मई तक जारी कर दिए जाएंगे। यह आश्वासन मिलने के बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग में 3 दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे छात्रों ने बृहस्पतिवार को अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। हालांकि छात्रों ने कहा है कि जल्द ही कुछ बड़े विषयों का परिणाम नहीं आया तो वो फिर से आंदोलन होगा। दोस्तों, ये जो बताया है मैंने, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत शिक्षकों के कुल 10,768 पदों पर भर्ती होनी है और आयोग 8.5 माह में केवल 1% पदों का परिणाम ही घोषित कर सका है। सभी विषयों का परिणाम एक साथ जारी किए जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र 3 दिनों से आयोग में क्रमिक अनशन पर बैठे थे। बृहस्पतिवार को दोपहर आयोग की ओर से मीडिया प्रभारी सुरेश उपाध्याय एवं उप सचिव आलोक श्रीवास्तव ने छात्रों से वार्ता की। जैसा कि कल बताया था कि 5 लोग गए थे उनसे बात करने के लिए। छात्रों को आश्वासन दिया है कि सामाजिक विज्ञान विषय का परिणाम 30 अप्रैल और सभी विषयों का परिणाम 30 मई तक जारी कर दिया जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, जो मैं आपको बता रही थी कि सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट की जो डेट है वो फिक्स हो गई है। जी हाँ, सामाजिक विज्ञान का जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो 30 अप्रैल को आ जाएगा और जितने एग्ज़ाम जो जितने विषय के रिजल्ट रह जाएंगे वो सभी 30 मई तक आ जाएंगे। इस आश्वासन के बाद छात्रों ने अनशन को समाप्त कर दिया। अनशन में विक्की खान, दुर्गेश सिंह, कुलदीप सिंह, रीना यादव, अमितेश आदि सभी शामिल रहे। तो दोस्तों, ये तो थी कल की न्यूज़ जो आज पेपर में आई, तो ये बताना ज़रूरी था। नेक्स्ट न्यूज़ है जो आज मालूम पड़ी है, वो भी आप देख लीजिएगा दोस्तों। ये है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की मेरिट ही रहेगी प्रतीक्षा सूची। दोस्तों, देख लेते हैं इसमें ये क्या बोल रहे हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में प्रतीक्षा सूची अलग से बनाए जाने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि भर्ती में एकल पद के परीक्षा में प्रावधान के अनुसार मुख्य सूची से अलग अन्य चयनितों का द्वितीय वरीयता में नाम तय होगा। किसी चयनित के कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में शासन से मांग होने पर मेरिट के आधार पर दूसरे नाम भेजे जाएंगे। UPSC का प्रावधान है कि प्रतीक्षा सूची उन्हीं भर्ती परीक्षाओं में बनेगी जो एकल पद वाली होंगी, जैसे PCS, J, सहायक अभियोजन अधिकारी APO और अपर निजी सचिव AP आदि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS परीक्षा के विभागों और पदों के प्रकार अलग अलग व कई होने के चलते प्रतीक्षा सूची नहीं बनाई जाएगी। तो प्रतीक्षा सूची जो वेटिंग लिस्ट होती है वो केवल उन्हीं के लिए होगा जिनके केवल एक पद होता है, एक पद वाली जो वैकेंसीज है भर्ती है उनके लिए होगा। तो दोस्तों, आज के लिए मेनली ये दो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मुझे आपको बताना था। तो दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को की न्यूज़ पाने के लिए, जानने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहें एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।